नमस्कार दोस्तों, रेल पथ चैनल पे फिर से एक नए वीडियो के साथ आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त प्रवीण सर और आज डिस्कस करेंगे IRPWM यानी इंडियन रेलवे पीवे मैनुअल में 2020 में करेक्शन स्लिप 17 के क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों, करेक्शन स्लिप 17 जो आया है इसमें काफ़ी क्वेश्चन में बदलाव हुआ है, इसीलिए मैं आपके लिए यह वीडियो लेकर आया हूँ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक करके सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं क्वेश्चन के ऊपर लेकर चलता हूं। ऐसे वीडियो अगर लगातार आपको देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। अगर यह PDF आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं या व्हाट्सएप से संपर्क करके ले सकते हैं। ये देखिए, दोनों लैंग्वेज में आपके लिए क्वेश्चन रेडी किया हुआ है। अगर आप जो भी लैंग्वेज में आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़कर अपना क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। तो दोस्तों, IRPWM जून 2020 के अनुसार PC द्वारा तापमान जोन 1 और तापमान जोन 2 में 1660 स्लीपर घनत्व के साथ PSC स्लीपर पर 60 किलोग्राम प्रति मीटर रेल के साथ करेक्शन स्लिप 17 LWR को तापमान जोन 1 और तापमान जोन 2 में वक्रों पर अनुमति दी जा सकती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अप टू 6.5 डिग्री, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। IRPWM मैनुअल जून 2020 के अनुसार ACA संख्या 17 संरेखन 1660 स्लीपर घनत्व के साथ PSC स्लीपर पर 60 किलोग्राम प्रति मीटर रेल के साथ LWR को प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर द्वारा तापमान जोन 1 और तापमान जोन 2 के वक्रों पर अनुमति दी जा सकती है। इसका आंसर हो जाएगा अप टू 6.5 डिग्री, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। IRPWM मैनुअल जून 2020 करेक्शन स्लिप 17 के अनुसार तापमान क्षेत्र 1 के लिए सबसे तेज ढाल से जुड़े सबसे तेज वक्र और सबसे तेज वक्र की सीमा क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी दोनों, यानी कि सरफेस परमिटेड डिग्री ऑफ कर्व 6.5 डिग्री और सरफेस परमिटेड कर्व विथ स्टेपेड ग्रेडियंट 5 डिग्री विथ 1 in 65, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। IRPWM जून 2020 के अनुसार करेक्शन 17 1660 स्लीपर घनत्व के साथ PSC स्लीपर पर 60 किलोग्राम प्रति मीटर रेल के साथ LWR को कर्व पर अनुमति दी जा सकती है और प्रधान मुख्य अभियंता द्वारा या PC परिपत्र के माध्यम से या मामले के आधार पर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अप टू 6.5 डिग्री इन टेम्परेचर जोन 1 एंड जोन 2। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। IRPWM मैनुअल 2020 ACA 17 के अनुसार तापमान क्षेत्र 2 के लिए सबसे तेज ढाल के साथ जुड़े सबसे तेज वक्र और सबसे तेज वक्र की सीमा क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए एंड बी दोनों, यानी कि सरफेस परमिटेड डिग्री ऑफ कर्व 6.5 डिग्री, सरफेस परमिटेड कर्व विथ स्टीपेड ग्रेडियंट 5 डिग्री विथ 1 in 65, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा, ए एंड बी दोनों। IRPWM मैनुअल जून 2020 ACA 17 के अनुसार तापमान क्षेत्र 3 के लिए सबसे तेज ढाल के साथ जुड़े सबसे तेज वक्र की और सबसे तेज वक्र की सीमा क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी एंड सी दोनों। तो बी में क्या हो जाएगा? सरफेस परमिटेड कर्व विथ स्टीपेड ग्रेडियंट 5 डिग्री विथ 1 in 65, और सी में हो जाएगा सरफेस परमिटेड डिग्री ऑफ कर्व 6 डिग्री, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा, सी एंड बी दोनों। IRPWM मैनुअल जून 2020 ACA 17 के अनुसार तापमान क्षेत्र 4 के लिए सबसे तेज ढाल के साथ जुड़े सबसे तेज वक्र और सबसे तेज वक्र की सीमा क्या है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी एंड सी, यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा।
तो बी में देखिए क्या है, सरफेस परमिटेड डिग्री ऑफ कर्व 6 डिग्री और सरफेस परमिटेड कर्व विथ स्टीपेड ग्रेडियंट 4 डिग्री विथ 1:80, यानी इसका आंसर देखिए बी एंड सी हो जाएगा। IRPWM जून SES 17 के अनुसार क्रॉस वेसिंग व्यवस्था LWR ट्रैक की पार्श्व स्थिरता को बढ़ाने के लिए 6 डिग्री से अधिक तेज मोड़ पर कौन सी ड्राइंग प्रदान की जानी चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ड्राइंग RDSO T8329, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। IRPWM पैरा 335 के तहत निर्धारित तनाव मुक्त तापमान में कमी किन मामलों में लागू नहीं होगी, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा पैरा नंबर 326 के 2A, यानी अलाइनमेंट न्यू, इसका आंसर ए हो जाएगा। तापमान जोन 234 LWR CWR 52 किलोग्राम प्रति मीटर रेल के साथ PSC स्लीपर पर 1540 स्लीपर घनत्व और उससे अधिक के साथ घुमावों पर बिछाया जा सकता है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा अप टू 440 मीटर रेडियस, यानी 4 डिग्री कर्व, इसका आंसर बी हो जाएगा। तापमान जोन 1 LWR CWR को 350 मीटर प्रति त्रिज्या यानी 5 डिग्री वक्र तक के मोड़ पर रखा जा सकता है, अतिरिक्त सावधानियां क्या है, तो इसमें LWR जो रखा जाएगा 5 डिग्री में, तो तापमान जोन के लिए सावधानी क्या बरतना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑल द एबव, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। तो ऑल द एबव में आप पढ़ लेंगे मिनिमम ट्रैक स्ट्रक्चर सॉल्ड भी 52 kg प्रति मीटर रेल ऑन PSE स्लीपर 1540 स्लीपर डेंसिटी भी 300 mm क्लीन ब्लास्ट कुशन, और सेकेंड नंबर देखिए शोल्डर ब्लास्ट 4 कर्व सेपर देन 440 मीटर रेडियस सॉल्व भी इंक्रीज टू 600 mm ऑन आउटसाइड ऑफ कर्व एंड सॉल्व भी प्रोवाइडेड फॉर 100 मीटर बियॉन्ड द टेंजेंट पॉइंट, और सी में दिया है क्या, रिफरेंस मार्क सॉल बी प्रोवाइडेड एट एवरी 50 मीटर इंटरवल टू रिकॉर्ड क्रीप, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आप आराम से पढ़ेंगे ताकि सभी क्वेश्चन को आप क्लियर करते जाएंगे। रिवर्स कर्व के उभयनिष्ठ बिंदु के दोनों ओर 100 मीटर की लंबाई में कितना शोल्डर गिट्टी प्रदान किया जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 600 mm, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा, ये 100 छोड़िए इसको 600 mm। अगर आप भी JEE PWA की तैयारी करते हैं या करना चाहते हैं तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए JEE PWA प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से या व्हाट्सएप से संपर्क करके ले सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। ग्रेडियंट LWR CWR के लिए सबसे तेज अनुमत ग्रेड होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1:100, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। IRPWM SES 17 के अनुसार 1660 स्लीपर घनत्व वाले PSC स्लीपर पर 60 किलोग्राम प्रति मीटर रेल के साथ LWR को तापमान के लिए 65 ग्रेडियंट में से 1 तक की अनुमति प्रदान मुख्य अभियंता द्वारा या PCE सर्कुलर के माध्यम से दी जा सकती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा जोन 1, जोन 2 एंड जोन 3 के लिए, इसका आंसर ए हो जाएगा। IRPWM 2020 SES 17 के अनुसार 1660 स्लीपर घनत्व वाले PSE स्लीपर पर 60 किलोग्राम प्रति मीटर रेल के साथ LWR को प्रमुख मुख्य अभियंता द्वारा या PCE परिपत्र के माध्यम से तापमान क्षेत्र के लिए 80 ग्रेडियंट में 1 यानी 1:80 तक की अनुमति दी जा सकती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली जोन 4 में, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा।
हायर PWM पैरा 335 के तहत निर्धारित तनाव मुक्त तापमान में कमी इससे अधिक तीव्र ढाल के लिए लागू नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1 in 100, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। यदि विकृत वक्रों के बीच सीधे ट्रैक की लंबाई, यानी रिवर्स कर्व देखिए इस तरह का अगर आएगा फिर इधर इस तरह का हो जाएगा, तो रिवर्स कर्व के लिए जो है मोर देन 50 मीटर होगा, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। यानी इधर से कर्व आया तो बीच में 50 मीटर सीधा होने के बाद ही दूसरा कर्व शुरू होना चाहिए, इसको रिवर्स कर्व बोला जाता है। तापमान परिवर्तन के कारण सांस लेने की अवधि में LWR CWR के सिरों में गति होती है, लेकिन LWR CWR का केंद्रीय भाग फैलता या सिकुड़ता नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सही हो जाएगा, यानी बिल्कुल सही है, इसका आंसर ए हो जाएगा। ये 100 कट कर दीजिए। थर्मल बल पी द्वारा गणना की गई, यानी कि ये देखिए फार्मूला है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा PE AT, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। ई बराबर रेल स्टील की लोच का मापांक, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2.1 × 10^6 kg cm², यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। ए बराबर रेल के क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल semi² इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सही है। 60 किलोग्राम प्रति मीटर रेल खंड पर क्रॉस अनुभागीय क्षेत्र, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 76.86 cm², यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। 52 किलोग्राम प्रति मीटर रेल खंड पर क्रॉस अनुभागीय क्षेत्र, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 6.615 cm², यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। ए बराबर स्टील के रैखिक विस्तार का गुणांक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1.152 × 10⁻¹⁵ °C, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। टी बराबर रेल तापमान का परिवर्तन, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा TD TO °C, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। TD या TO की रेंज रेल तापमान जोन 1, 2, 3 सभी रेल अनुभाग तापमान रेंज की सीमा के भीतर होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा TM 2 TM+5 °C, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। TD या 2 की सीमा रेल तापमान जोन 452 किलोग्राम प्रति मीटर की भारी रेल खंड तापमान सीमा के भीतर होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा TM+5 °C to TM+10 °C, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। 60 किलोग्राम रेल और 160 स्लीपर घनत्व के साथ व्यापक बेस स्लीपर पर LWR बिछाना कम दबाव वाले तापमान रेंज जोन 1, 2, 3 के साथ प्रति किलोमीटर की अनुमति दी जा सकती है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा TM-5 °C to TM, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। 60 किलोग्राम रेल और 1660 स्लीपर घनत्व के साथ व्यापक बेस स्लीपर पर LWR बिछाना जोन 4 में कम तनावग्रस्त तापमान रेंज की 7 प्रति किलोमीटर की अनुमति दी जा सकती है, तो जोन 4 के लिए क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा TM-2 TM+5 °C, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। तापमान क्षेत्र 1 में 60 किलोग्राम रेल और स्लीपर घनत्व 1660 प्रति किलोमीटर के व्यापक व्यवस्थापक आधार स्लीपर के साथ वक्र की अनुमत डिग्री अधिकतम है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 5 डिग्री, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा।
तापमान क्षेत्र 2, 3 और 4 अनुमत वक्र की डिग्री अधिकतम 60 किलोग्राम रेल और स्लीपर घनत्व 1660 प्रति किलोमीटर के साथ व्यापक आधार स्लीपर के साथ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 4 डिग्री, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। तापमान क्षेत्र 1, 2, 3 और 4 60 किलोग्राम रेल और स्लीपर घनत्व 1660 प्रति किलोमीटर पर व्यापक आधार स्लीपर के साथ सबसे तेज ढाल की अनुमति। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ए 1 in 100, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। व्यापक स्लीपरों के साथ LWR के लिए कम तनाव मुक्त तापमान तीव्र मोड़ों पर जारी LWR के लिए लागू नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ए एंड बी दोनों, यानी इसका आंसर देखिए सी हो जाएगा। तो ए को पढ़ेंगे, सफर देन 5 डिग्री इन Zone 1 एंड स्टेप ग्रेडियंट स्लीपर देन 1 in 100, सफर देन 4 डिग्री Zone 2, 3, 4 इन स्टेप ग्रेडियंट स्लीपर देन 1 in 100, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा, ए एंड बी दोनों। LWR में अधिकतम तापीय तनाव का स्तर रेल तापमान में भिन्नता पर निर्भर करता है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रेस फ्री टेम्परेचर, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। संदर्भ चिन्ह को टंक रेल टिप स्टॉक रेल कॉर्नर के बीच का अंतराल जो विभिन्न रेल तापमानों पर LWR CWR पक्ष से जुड़ा होता है सैद्धांतिक सीमा में से भिन्न नहीं होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मोर देन प्लस माइनस 10 mm, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। LWR CWR में नियमित ट्रैक रख रखाव रेल तापमान के बीच घंटों तक सीमित रहेगा और गर्मी शुरू होने से काफ़ी पहले पूरा किया जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा TD प्लस 10 सेल्सियस टू TD माइनस 20 सेल्सियस, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। व्यापक बेस स्लीपरों पर LWR नियमित ट्रैक रखरखाव रेल तापमान के बीच घंटों तक ही सीमित रहेगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर रहेगा TD प्लस 15 सेल्सियस टू TD माइनस 30 सेल्सियस, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। यदि रखरखाव के संचालन के बाद रेल का तापमान समेकन की अवधि के दौरान से अधिक हो जाता है तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति प्रतिबंध लगाया जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंड बी करेक्ट है, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। ए यानी कि TD प्लस 20 सेल्सियस फॉर कॉन्वेंशनल PSC स्लीपर और TD प्लस 20 सेल्सियस फॉर वाइडर वेस्ट स्लीपर, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा, ए एंड बी दोनों। तापमान क्षेत्र 1 स्लीपर घनत्व 1540 60 किलोग्राम प्रति मीटर रेल के साथ पारंपरिक PSC स्लीपर श्वास की लंबाई। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर देखिए आपको हो जाएगा 40 नंबर का 60 मीटर, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। तापमान क्षेत्र 1 स्लीपर घनत्व 1540 52 किलोग्राम प्रति मीटर पारंपरिक PSC स्लीपर सांस लेने की लंबाई। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 52 मीटर, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। तापमान क्षेत्र 1 स्लीपर घनत्व 1540 60 किलोग्राम प्रति मीटर चौड़ा PSC स्लीपर श्वास लंबाई मीटर, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नॉट डिफाइन, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। तापमान क्षेत्र 1 स्लीपर घनत्व 1660 किलोग्राम प्रति मीटर चौड़ा PSC स्लीपर श्वास लंबाई प्रति मीटर, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 44 मीटर, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। तापमान क्षेत्र 1 स्लीपर घनत्व 1660 प्रति 52 किलोग्राम प्रति मीटर प्रारंभिक PSC स्लीपर श्वास लंबाई
प्रति मीटर, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 50 मीटर, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। तापमान क्षेत्र 1 स्लीपर घनत्व 1660 प्रति 60 किलोग्राम प्रति मीटर प्रारंभिक, पीएससी स्लीपर श्वास लंबाई प्रति मीटर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी 58 मीटर, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। तापमान क्षेत्र 2 स्लीपर घनत्व 1540 60 किलोग्राम प्रति मीटर प्रारंभिक, पीएससी स्लीपर श्वास लंबाई, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 69 मीटर, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। तापमान क्षेत्र 2 स्लीपर घनत्व 1540 52 किलोग्राम रेल प्रति मीटर प्रारंभिक, पीएससी स्लीपर श्वास लंबाई प्रति मीटर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 59 मीटर, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। तापमान क्षेत्र 2 स्लीपर घनत्व 1540 60 किलोग्राम प्रति मीटर रेल चौड़ा, पीएससी स्लीपर श्वास लंबाई प्रति मीटर, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा नॉट डिफाइन, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। तापमान क्षेत्र 2 स्लीपर घनत्व 1660 प्रति 60 किलोग्राम प्रति मीटर चौड़ा, पीएससी स्लीपर श्वास लंबाई मीटर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 52 मीटर, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। तापमान क्षेत्र 2 स्लीपर घनत्व 1660 प्रति 52 किलोग्राम प्रति मीटर प्रारंभिक, पीएससी स्लीपर श्वास लंबाई प्रति मीटर, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 57 मीटर, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। तापमान क्षेत्र 2 स्लीपर घनत्व 1660 60 किलोग्राम प्रति मीटर पारंपरिक, पीएससी स्लीपर श्वास लंबाई मीटर, यानी इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 66 मीटर, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। तापमान क्षेत्र 3 पीएससी स्लीपर 1540 60 किलोग्राम प्रति मीटर पारंपरिक, पीएससी स्लीपर श्वास लंबाई मीटर में, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 74 मीटर, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। तापमान क्षेत्र 3 स्लीपर घनत्व 1540 52 किलोग्राम प्रति मीटर पारंपरिक, पीएससी स्लीपर श्वास लंबाई मीटर में, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 64 मीटर, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। तापमान क्षेत्र 3 स्लीपर घनत्व 1540 60 किलोग्राम प्रति मीटर चौड़ा स्लीपर श्वास लेने की लंबाई मीटर में, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नॉट डिफाइंड, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। तापमान क्षेत्र 3 और स्लीपर घनत्व 1660 60 किलोग्राम प्रति मीटर चौड़ा पीएससी स्लीपर सांस लेने की लंबाई मीटर में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 59 मीटर, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। तापमान क्षेत्र 3 स्लीपर घनत्व 1660 52 किलोग्राम प्रति मीटर पारंपरिक, पीएससी स्लीपर श्वास लंबाई मीटर में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 66 मीटर, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। तापमान क्षेत्र 3 स्लीपर घनत्व 1660 60 किलोग्राम प्रति मीटर पारंपरिक, पीएससी स्लीपर श्वास लंबाई मीटर में, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 77 मीटर, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। तापमान क्षेत्र 4 स्लीपर घनत्व 1540 60 किलोग्राम प्रति मीटर रेल पारंपरिक, पीएससी स्लीपर श्वास लंबाई मीटर में, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 82 मीटर, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। तापमान क्षेत्र 4 स्लीपर घनत्व 1540 52 किलोग्राम प्रति मीटर पारंपरिक, पीएससी स्लीपर घनत्व लंबाई प्रति मीटर में, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 71 मीटर, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। तापमान क्षेत्र 4 स्लीपर घनत्व 1540 60 किलोग्राम प्रति मीटर चौड़ा पीएससी स्लीपर श्वास लेने की लंबाई मीटर में, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नॉट डिफाइंड, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा।
तापमान क्षेत्र 4, स्लीपर घनत्व 1660 60 किलोग्राम प्रति मीटर, चौड़ा पीएससी स्लीपर सांस लेने की लंबाई मीटर में। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 56 मीटर, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। तापमान क्षेत्र 4, स्लीपर घनत्व 1660 52 किलोग्राम प्रति मीटर, पारंपरिक पीएससी स्लीपर श्वास लंबाई मीटर में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 68 मीटर, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। तापमान क्षेत्र 4, स्लीपर घनत्व 1660 60 किलोग्राम प्रति मीटर, पारंपरिक पीएससी स्लीपर श्वास लंबाई मीटर में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 79 मीटर, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। 4 डिग्री और 5 डिग्री तक से अधिक तीव्रों मोड़ों पर LWR की निरंतरता ट्रैक संरचना निम्नलिखित उपयुक्त वाक्य कौन सा सही है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑल द एबव, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी सभी सही है। ट्रैक स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ मिनिमम 60 kg 90 UTS रेल और PSC स्लीपर विथ इलास्टिक फास्टेनिंग ERC MK5 एंड डेंसिटी 1660 नोज पर किलोमीटर। जॉगलिंग ऑफ ऑल गुड्स 80 एंड फ्लैश बट बेल्ड विथ 4 क्लैम्प एंड जॉगलिंग ऑफ ऑल डिफेक्टिव 80 एंड फ्लैश बट बेल्ड सॉल्ड वी डन विथ 2 क्लैम्प, यानी इसका आंसर ऑल द एबव हो जाएगा। 65 में देखिए हिंदी में नहीं दिया, लेकिन 65 का है सेल बी इंश्योर बिफोर लेइंग LWR ऑन कर्व सेपर देन 4 डिग्री अप टू 5 वर्टिकल एंड लेटरल वियर सेल नॉट बी अलाउड टू बी एक्सीड रिस्पेक्टिवली। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 8 mm to 6 mm, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। 4 डिग्री से 5 डिग्री तक के अधिक तीखे मोड़ों पर LWR बिछाने से पहले सुनिश्चित किया जाएगा अन्य शर्तें मोड़ों और उनके दृष्टिकोण का संरेखण दोष। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 10 mm over 10 mm छोर, इसका आंसर बी हो जाएगा। 4 डिग्री से 5 डिग्री तक से अधिक तीव्र मोड़ों पर LWR बिछाने से पहले यह सुनिश्चित किया जाएगा अन्य शर्तें रेंगना नियमित रूप से मापा जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, एटलीस्ट 1 a month एंड टोटल क्रीप एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम शैल नॉट एक्सीड 50 mm पर ट्रैक किलोमीटर, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। 4 डिग्री अप टू 5 डिग्री से अधिक तीखे मोड़ पर LWR बिछाने से पहले सुनिश्चित किया जाएगा अन्य शर्तें, यानी कि रेंगना नियमित रूप से मापा जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑल, यानी ए बी सी सभी सही रहेगा। तो एटलीस्ट 1 a month एंड टोटल क्रीप एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम शैल नॉट एक्सीड 50 mm पर ट्रैक किलोमीटर, क्रीप शैल बी एडजस्टेड थ्रू डी स्ट्रेसिंग प्रोसेस, क्रीप पोस्ट शैल बी प्रोवाइडेड एट रेगुलर इंटरवल फॉर इट्स मॉनिटरिंग, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। 4 डिग्री अप टू 5 डिग्री से अधिक तीखे मोड़ पर LWR बिछाने से पहले सुनिश्चित किया जाए अन्य शर्तें, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑल द एबव, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। ERC Mark 5 एंड कंपोजिबल रबर पैड बी में दिया हुआ है सेल बी यूज विथ फुल ब्लास्ट एज पर द स्टिपुलेटेड प्रोफाइल इंश्योर द इफेक्टिव टू लोड एंड एक्टुएट क्रीप रेसिडेंस एंड टू लोड
ऑफ सच ईआरसी सेल नॉट बी लेस देन 600 केजी इन एनी केस। इसका आंसर डी है, देखिए हो गया। 4 डिग्री 5 डिग्री तक से अधिक तीखे मोड़ पर LWR बिछाने से पहले सुनिश्चित किया जाएगा, अन्य शर्तें गेज फेस और ग्रीसिंग अधिमानता IRS T48-2022 के अनुसार स्वचालित ट्रैक माउंटेड मैग्नेटाइज्ड लुब्रिकेटर का उपयोग करके किया जाएगा। ये सही है या गलत, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये सही है, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। 5 डिग्री से अधिक तीव्र वक्रों पर LWR की निरंतरता का उपयोग किया जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा स्लैक गेज स्लीपर, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। हॉलिंग मार्क ऐसे स्थान पर लगाया जाना चाहिए जहां मौजूदा कार्यों में ट्रैक सेंटर 4.265 मीटर तक कम होना शुरू हो जाता है, जहां सामान्यतः ट्रैक सेंटर डैश के बीच होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 4.265 मीटर से 4.725 मीटर, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। फॉलिंग मार्क ऐसे स्थान पर लगाया जाना चाहिए जहां मौजूदा कार्यों पर नए कार्यों के ट्रैक सेंटर कम होकर 4.725 मीटर होना शुरू हो, या मौजूदा कार्यों में बदलाव हो जहां सामान्य ट्रैक सेंटर हो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 4.725 मीटर और मोर 5300, यानी कि 5.300, इसका आंसर ए हो जाएगा। JEE SSC PV और गैंग मैट गर्मी के दौरान और गर्म दिनों में सतर्क रहेंगे, जब रेल का तापमान ऊपर बढ़ जाएगा तो गश्त शुरू कर दी जाएगी, निम्नलिखित वाक्य को सही उत्तर कौन सा है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए बी एंड सी राइट आंसर है, इसका आंसर डी हो जाएगा। ए यानी TD+30°C ऑन वाइडर बस PAC स्लीपर ट्रैक विथ स्लीपर डेंसिटी 1660 नोज पर किलोमीटर, TD+25°C ऑन PAC स्लीपर ट्रैक विथ स्लीपर डेंसिटी 1540 नोज प्रति एंड एवब, और TD+20°C ऑन PAC स्लीपर ट्रैक विथ स्लीपर डेंसिटी लेस देन 1540 नोज प्रति किलोमीटर, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।